Situation is disturbing in Haryana's Nuh area where violence and arson has spread to other parts of the state. 3 people have died, including 2 home guards. They were killed. At least 20 others have been injured in clashes that broke out between 2 groups of Haryana. The police have said that the home guards were shot dead as a mob tried to stop the religious procession, throwing stones and setting cars on fire. The district of Nuh in the North Indian state of Haryana has been making headlines for years, mostly due to its status as India's least developed district. It's unique also because Hindus constitute a small minority here. Yet, the majority Muslim population here has coexisted in harmony with their Hindu neighbors. However, in early August of 2023, Nuh was in the spotlight again, and this time due to a major outbreak of communal violence. To find out what really happened, I'm visiting the home of a local Muslim resident, Mohammad Soheb. Namaste. आइए बैठ। ये मेरा बेटा मैडम, आइए बैठिए मैडम। इसका नाम है मोहम्मद कैस। बैठी। चाय लेंगे आप? चाय चाय ठीक है, लेकिन मैं बनाऊंगी। पानी कहाँ से लेंगे? पानी ये ठंड, ये पीने का पानी है? पीने का पानी। कितनी चीनी डालू आप बताइए? कितना डालो? डालो, मैं बताता हूँ। 2 चम्मच। नहीं ज्यादा डालनी। बाहर बैठ सकते हैं? हाँ, आइए बैठिए ना। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 2015। 2015। अच्छा, पर आप क्या आप भी खेती करते हैं? खेती। अच्छा, आपका परिवार यहाँ पे कितने सालों से रह रहा है? मैं शुरू से ही रह रहा, जब से गाँव। कैसा गाँव है आपका? बहुत मतलब अच्छा गांव है। दूध आना है? हाँ, दूध। पर फिर तो यही बैठना पड़ेगा। हाँ, तो क्या बता रहे थे आप गांव के बारे में? सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की परेशानी मुसीबत हंसी खुशी में सब साथ। हमारे यहाँ कोई किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके साथ सबके दुख सुख में साथ रहते हैं। मेरे गाँव में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। अच्छा। मुस्लिम कम्युनिटी, उसके अलावा हिंदू भाई थोड़े हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे रहते हैं। कितना रेशियो होगा ये हमारे यहाँ? 85-15। कोई जज नहीं करता कि ये हिंदू हैं या ये मुसलमान हैं। हम उनके ब्याह में, वो हमारे साथ ब्याह। हम उनके 30 त्योहारों में, वो हमारे में। कोशिश करते हैं हम। आज तक कोई उनके साथ या हमारा कोई इतना साथ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो कोई भी किसी भी प्रदेश का कैसा ही भी अजनबी आ जाए, अगर वो पैदल चल रहा है बाइक लेकर के या गाड़ी लेकर, तो उसको खुद बोलते हैं कि भैया क्या दिक्कत हो गई, फ्यूल खत्म हो गया तो फ्यूल ले लो, आपके साथ कोई और इंसिडेंट है तो बताओ, हम आपकी मदद करें। अभी हम जब आ रहे थे रास्ते में, तब उन्होंने बैठा के, हम बाहर खड़े हुए थे, आपका घर ढूंढ रहे थे, हम खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि अंदर आके बैठ जाइए आप। पंखा चालू किया, पानी लाया। तो ऐसा जनरली महसूस गाँव में मिलता है, लेकिन हाँ वो आपने यहाँ एक अलग ही महसूस किया हो। हाँ, हमारे यहाँ जो अतिथि सत्कार है ना, वो सबसे ऊपर है, धर्म से भी ऊपर। ये इलाका कैसे बसा है पूरा? 1947 भारत पाकिस्तान का बंटवारा, जब मुसलमान जिन्ना की जो पॉलिसी थी उसके बिहाफ पे पाकिस्तान जा रहे थे, और इंडिया की जो पॉलिसी थी उसके आधार पर ये लोग यहाँ रह रहे। महात्मा गांधी जी भी हमारे यहाँ विजिट किए, और मोरारजी देसाई, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर यहाँ आए थे। उन्होंने हमको अपना समझा, अपना समझ के हमको यहाँ रोकने की उन्होंने कोशिश की। हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, हमने पाकिस्तान को सेफ नहीं समझा, ससेफ नहीं माना, और हिंदुस्तान को सही माना अपने लिए, क्योंकि हिंदुस्तान सेक्युलर कंट्री है। आज भी कोई ऐसे छुटपुट दंगे फसाद होते रहते हैं, सरकारों के इसमें हाथ हो सकते हैं। एक आपको एक दोहा सुन, मैं दोहा सुनाऊं नेताओं के बारे में? अच्छा, ये कब दे दो आप? चाय बन गई है, मैं आपको देता हूँ। भाई कहाँ बताऊं बात, देश में बगला छागा, बगला मीन्स ये नेता। अच्छा। और कांचवान पे पेना फटका मैंड की ने खागा। कांचवान को मतलब जो शक्तिशाली लोग हैं उनके पास गरीब आदमी। भाई कहा पता हूँ बात, गादड़ा वोटन में जीत है, शेर पड़े से चित्त विचार पावन ने की। गादड़ा को मतलब जो उसके लिए लायक नहीं ना, जो उसका डिजर्व नहीं करते वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं और विधानसभा या सांसद में जाकर बैठ जाते हैं। भाई कहा बताऊं बात, देश का नेता लेकर होगा, इनकी कोठिल्ले बदनाम में जाने कितना बेकार होगा। भाई कहा बताऊं बात, कमीशन होने लगो है पेश और गांधी तेरो भारत बन को घोटाले को पेश। किसने लिखी है ये? मैंने लिखा है। ये आपने लिखा है? अरे वाह, सदन किसी और चूहा गया। चूहा? अरे चूहा खाएगा नहीं आप। मेरा ध्यान चूहा नहीं नहीं चूहा चूहा ये पाल तो चूहा है कुछ नहीं है। हाँ। बड़ी टेस्टी बनाई मैंने, तो नहीं बनाई है उसे। अब क्या बनाना है आप बताइए, जो आप पसंद करते हैं। दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर, तो गैस चालू हुआ है। हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं मालूम। इतना पूछ रही थी आपके फोन इतने ही आते हैं या आज आ रहे हैं? फोन तो ज्यादा आते हैं आज से, आज कम आ रहे हैं। नेट बंद चल रहा है इसलिए कम है। नेट क्यों बंद चल रहा है? हमारे यहाँ 31 तारीख को कम्युनल झगड़ा हुआ। 6 महीना या 1 साल 6 महीना के आसपास पहले एक घटना हुई थी, आपने सुना होगा। तो उसने एक नासिर और जुनैद को इन लोगों ने बजरंग दल वालों, जिसमें मोनू मानेसर का नाम आपने सुना हो, उन लोगों ने उनको भिवानी के जंगलों में ले जाकर गाड़ी से ही जला दिया। बहुत दर्दनाक हादसा था वो, प्रदेश के लिए भी देश के लिए टारगेट कर। इससे पहले और बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई इसी क्षेत्र से। अब ये लोग जो बजरंग दल वाले हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ से नूह से एक यात्रा निकालने की मतलब डेट रखी, प्लानिंग। उसमें क्या है, मोनू मानेसर वो एक वीडियो वायरल करता है कि हम आ रहे हैं उस तारीख को, यानी लोगों को उकसाता है कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लो क्या, उसका उद्देश्य था। उसके बाद जब ये 31 तारीख को चलते हैं, कोई पिट्टू बजरंगी करके है इस दल का कोई नेता या कोई इसका सदस्य होगा, कोई लीडर है क्या है, वो यहाँ आकर के एक वीडियो वायरल करता है फरीदाबाद से जब वो चलते हैं कि हम आ रहे हैं ससुराल, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल। नहीं तो वो यहाँ पे आए, नहीं हमारे यहाँ की कोई लड़की उनके घर में, और तुम्हारे जीजा आ रहे हैं उनके स्वागत में मुँह फूल माला लेकर के तैयार रहेंगे। अब ये हमारे उसने हमारे इसमें भी सभी जगह एक बहुत बड़ी गाड़ी है, यानी वो हमारी दो बहनें हैं, हमारी बहन बेटियाँ, उनको वो ब्याह के ले जाएंगे, वो हमारे जीजा बना। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया कि एक तो हमारे लोगों को मारा उसी इलाके में फिर वो विजिट कर रहे हैं। तो जब वो आए, अब पता नहीं वो राजस्थान के लोग थे जिन्होंने इनको ऊपर पत्थर पड़ा या उन्हीं के लोग। ये क्या करते हैं, नारेबाजी करते हैं, हुड़दंग करते हैं। अरे आपको यात्रा निकालनी है, आप आराम से निकालें, कौन मना? आप 2 साल पहले निकाले, किसने मना? अब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, कहाँ कहाँ के लोग थे। किसी को कोई पहचानता है, किसी ने नकाब पहन रखा था। खैर, हम उसकी निंदा करते हैं। अगर ये हुआ तो इंसिडेंट ये गलत हुआ, क्योंकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेना है। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है किसी भी एरिया में, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस प्रदेश की, उस जिले की, उस क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था, उस स्टेट की गवर्नमेंट। उसमें इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, उसमें काफ़ी सारी हमने वीडियो देखी थी टेलीविजन पर, काफ़ी सारी गाड़ियाँ जली हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ 1 मिनट में जल गई, क्यों प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया? सब लिया। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक दोहे के माध्यम से। आपने बनाया? मैंने। अच्छा। जिस टाइम मुगल थे, मुगल, और हमारे यहाँ पूरे देश को लीड कर रहे थे मुगल, और हमारे यहाँ की रियासत को लीड कर रहे थे हसन खान मेवात। यहाँ से जो हसन खान मेवाती ने को जब झगड़ा हो गया राणा सांगा के साथ, बाबर, तो हमने साथ दिया, मुसलमानों ने साथ दिया राणा सांगा का। हमारा भाई था, हमारा देश का योद्धा था। इसलिए बाबर चिट्ठी लिखी, सुनो मेवाती राजा, त्यारो पुत्र हमारी कैद, कछ तुम सोच विराजा। तू हा मुसलमान हमारो दीनी भाई, देव हमारो साथ पुत्र के लेव रहाई। मुगलों ने कही कि भाई हमारो साथ दे, तू हमारा मुसलमान भाई आ। हसन खान मेवाती ने उसके लिए क्या जवाब दिया? चिट्ठी लिखी मुगलों के लिए, बाबर के लिए, वचन हाँ पक्का मेव का, चाहे रोंग रोंग कट जाए। हम अगर लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के बासिंदों के लिए। तुम मुगल हो, अफगानिस्तान से आए हो, यूनान से आए हो, कहाँ से, हम तुम्हें अपना देश थोड़ी लूटने देंगे। हम अपनों के लिए लड़ेंगे, अपनों के साथ रहेंगे, अपनों के साथ। राणा सांगा भी तो हिंदू था। उस टाइम अगर ऐसा होता कि हम बाबर का साथ देते, शायद राणा सांगा उसने हार दिया, और उस जंग में राणा सांगा की जीत हुई। हमने उनका साथ दिया, उन्होंने हमारा साथ दिया। आज हमको ये अलग कैसे मानते हैं? यहाँ के मुस्लिम बाकी जगह के मुस्लिम से कैसे अलग है? मतलब ये क्या उनका मतलब हिंदुओं से रिलेशन रहा है? हमारे यहाँ के जो हिंदू हैं, हमारे यहाँ, हमारा उनका, चाहे किसी भी गांव का, मेवात के एरिया में जो रहते हैं। देखो, जब से सरकार बनी है ना, ये सरकार ने, आप कहीं भी पता कर लेना, किसी भी प्रदेश में जाकर कम्युनल वायलेंस फैलाएं और थोड़ा सा डर का माहौल, दहशत का माहौल फैलाएं। पता क्या होता था पहले, जब हम और हमारे हिंदू भाई होली आती थी, बार बार पिचकारी मार देते, वो हमारे हम तीज त्योहार, ईद, बकरा ईद सब मिल के मनाते। आज इतना फ़र्क पड़ गया है कि वो लोग कंडराते कि कहीं ऐसा ना हो, झगड़ा हो। आज हमारे गांव की, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे नॉन मोमडन हैं, आज भी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं घर। हमारा उनका इतना अच्छा भाईचारा। हाँ हाँ, हमारे यहाँ ये सारे, हमारे यहाँ ये हमारे भाई पड़ोसी हैं। आज तक इनमें हमारा क्या नाम, इनसे पता सोनू आई, इनसे पूछो कि हमारा और इनका कोई मन मुटाव कभी कभी लाइफ में, जब से ये यहाँ रह रहे हैं, इनके माता पिता पहले से कोई मन मुटाव यहाँ पैदा हुआ? और कैसा माहौल आपने यहाँ पे देखा है? यहाँ पे सही माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मतलब कहने को तो जैसे लोग कहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या असर पड़ा है उसके बाद? नहीं, उस चीज का हमारे ऊपर ऐसा कोई असर खास नहीं है कि जैसे राइट, मतलब कि एक संशय जाते हैं बहुत से कि यहाँ पे मुसलमान ज्यादा, हिंदू कम है, तो यहाँ से निकल चलो, ये सब। बाकी हमारे दिमाग में ऐसा कोई नहीं, यहाँ पे सब भाईचारा है। हम ये जब खाना बना रहे हैं ना, मेरे इसमें टमाटर गायब, क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं। टमाटर का रेट 150 से पार। लोगों को इस चीज़ से भटका रहे हैं, महंगाई से भटका रहे हैं, सरकार महंगाई से भटका इन चीज़ों पर ला रही है कि हिंदू मुसलमान का कर दो, हिंदू मुसलमान का कर दो, ना कोई रोज़गार मांगेगा, ना कोई महंगाई की बात करेगा, ना कोई किसानों की बात करेगा, ना कोई जवानों की बात करेगा, ना कोई महिलाओं की बात करेगा। पढ़ा है कि नूह सबसे कम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट किस लिए? हमारा जो एरिया है वो नेशनल कैपिटल दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर गुरुग्राम साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, लेकिन मेवात उससे 30-40 किलोमीटर की दूरी पर देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। क्यों? आप समझ सकते हैं किस लिए? कि इस क्षेत्र के साथ 2 दर्जे का व्यवहार। ये नमकीन पुलाव बना रहे हैं। नमकीन, ठीक है। आगे बताइए आप कैसा है? जब आपने बनाया ना तो भी सही बताया ना, तो नहीं तो 50-50 है हमारा। गाँव को लेकर अब आपकी क्या उम्मीद है? यहाँ पे चीजें सही रहेंगी? देखे जी, हमारी तो एक सोच है, मरेंगे वतन के लिए, जिएंगे वतन के लिए, यहीं रहेंगे, यही अत्याचार भी झेलेंगे, मुकाबला भी करेंगे। कोई अगर गलत बाह्य असामाजिक तत्व अगर कोशिश करता है शांति भंग करने की, मुकाबला करेंगे, नहीं होने देंगे। भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होगा। अब जो ये स्टेटमेंट देते हैं उस पर सोशल मीडिया पे कि हम तो दोबारा निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उससे एक और फिर डर पैदा ये हो रहा है कि कहीं अगर दोबारा इस तरह से हुई तो कहीं दोबारा वायलेंस ना हो जाए। इससे मस्तिष्क पे भी काफ़ी तनाव है, समझ सकते हैं।